हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड पाश्चात्य दर्शन। आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के दर्शन में द्रव्य एवं आकार पर, जिसे मैटर और फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैटर और फॉर्म को लेके कई तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे अरस्तु के दर्शन में मैटर और फॉर्म की व्याख्या कीजिए, क्या मैटरलेस फॉर्म एंड फॉर्मलेस मैटर संभव है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या भौतिक द्रव्य के अर्थ में मैटर और फॉर्म की व्याख्या संभव है, तथा अरस्तु के दर्शन में संभाव्यता, साधन साध्य तथा अनिवार्यता, वास्तविकता, सिद्ध की अवधारणा क्या है काल, और ये भी पूछा जा सकता है कि काल की दृष्टि से तथा सत्ता या बौद्ध की दृष्टि से मैटर और फॉर्म का स्थान निर्धारित करें। इस तरह से कई तरह के प्रश्न इस विषय को लेकर या इस टॉपिक को लेकर बनते हैं। तो हम बात करते हैं अरस्तु के दर्शन में द्रव्य एवं आकार या मैटर और फॉर्म की। अरस्तु अपनी कारणतावादी अवधारणा में प्रमुखतः दो कारण स्वीकार करता है, उपादान और स्वरूप कारण। वही मैटर और फॉर्म के रूप में जाना जाता है। अरस्तु के अनुसार मैटर वह सामग्री है जिसमें गति एवं परिवर्तन संभव होता है, और जो आकार ग्रहण करता है, जबकि फॉर्म आकार या सिद्ध अवस्था है। प्लेटो जहाँ मैटर और फॉर्म के मध्य एकांगी संबंध स्वीकार करते हैं, वहीं अरस्तु दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध स्वीकार करते हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु में मैटर और फॉर्म का मिश्रण मिलता है, ऐसा अरस्तु का विचार है, तथा मैटर लेस फॉर्म या फॉर्म लेस मैटर कल्पना लोक या स्वप्न लोक में संभव माने जा सकते हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता है, किंतु वस्तुगत के अर्थ में उक्त दोनों अर्थात मैटर लेस फॉर्म या फॉर्म लेस मैटर अमूर्त व्यर्थ कल्पनाएं मात्र है। जगत की प्रत्येक वस्तु में मैटर और फॉर्म दोनों पाए जाते हैं। मैटर और फॉर्म की व्याख्या भौतिक द्रव्य के अर्थ में संभव नहीं है। भौतिक द्रव्य प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बना रहता है, वह अपरिवर्तनशील तथा स्थैतिक रहता है। मैटर और फॉर्म तो तरल व गतिशील है। जगत की विकासात्मक व्यवस्था में जो एक अवस्था में मैटर है, वही दूसरी अवस्था में फॉर्म बन जाता है। उदाहरण के लिए, जिससे बीज से अंकुर बनता है, यहाँ बीज मैटर है और अंकुर फॉर्म है। अंकुर से जब वृक्ष बनता है तो अंकुर मैटर बन जाता है और वृक्ष फॉर्म, और जब वृक्ष से लकड़ी बनती है तो वहाँ वृक्ष मैटर हो जाता है और लकड़ी फॉर्म बन जाती है। मैटर और फॉर्म क्रमशः साध्य व सिद्ध के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रत्येक साध्य में सिद्ध बनने की शक्ति पहले से ही गुप्त रूप में निहित है। विकास की क्रमिक अवस्था में जितना अधिक हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं, फॉर्म की मात्रा बढ़ती जाती है, और जितना पीछे की ओर जाते हैं फॉर्म की मात्रा घटती जाती है। अंत में निर्गुण निराकार शुद्ध
प्रकृति दिखती है जिसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अरस्तु तो अंत पूर्व से ही आदि में निहित मानते हैं। अंत आदि में निहित है अर्थात लक्ष्य सदैव अपने उपादान सामग्री में पूर्व से गुप्त रूप में निहित रहता है। कार्य उत्पत्ति से निर्गुण निराकार प्रकृति में कुछ भी उत्पन्न नहीं माना जा सकता। काल की दृष्टि से मैटर प्रथम है तथा सत्ता या बौद्ध की दृष्टि से फॉर्म का स्थान पहले माना गया है, क्योंकि मैटर सदैव फॉर्म की ओर अग्रसर होता है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर शुद्ध फॉर्म है, वह लक्ष्य कारण है। सभी तथ्यों में गति उत्पन्न की जाती है किंतु ईश्वर स्वयं गति रहित है। यदि उसके लिए भी अन्य गतिदाता की कल्पना करें तो दर्शन में अनावस्था दोष आ जाता है। अतः ईश्वर को अरस्तु गति रहित गतिदाता अनमोड मूवर मानते हैं। अरस्तु के दर्शन का उद्देश्य न तो शुद्ध फॉर्म की व्याख्या करना है न ही शुद्ध मैटर की, अपितु जगत की वस्तुओं में मैटर और फॉर्म के मिश्रण की व्याख्या ही उनका प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद।